आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी फाइल और फोल्डर को आप अपने कंप्यूटर में कैसे हाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सिंपली अपने माई कंप्यूटर पर चलते हैं और किसी एक फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ इस इमेज के फोल्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर व्यू में आना है, जैसा कि आपको देख सकता है व्यू टैब। व्यू टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हाइड सेलेक्टेड आइटम। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, उस पर आपको सिंपली ओके कर देना। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा वो फोल्डर जो हमने सेलेक्ट किया था वो हाइड हो चुका है। फोल्डर हाइड करने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसको अनहाइड या कैसे वापस लाना है। तो हाइड सेलेक्टेड आइटम्स के बगल में आप देख सकते हैं हिडन आइटम्स। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सिंपली वो फोल्डर जो है आपके सामने आ जाएगा। और इसको अनहाइड करने के लिए फिर से हम एक बार हाइड सेलेक्टेड आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर अनहाइड हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी फाइल को भी हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।